जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको भी एक नया यूट्यूबर है तो आपको चाहिए रहता है कि आपको वीडियो शूट करनी है, तो आपको एक आइडिया चाहिए रहता है कि हम कैसे वीडियो शूट करें। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि आजकल के लोगों की YouTube में वीडियो के उसके टाइटल, उसके थंबनेल बेस्ट रहता है, उसके कंटेंट भी अच्छा रहता है, लेकिन वो मेन गलती कर जाते हैं दोस्तों। किस में गलती? कि वीडियो शूट करने में। क्योंकि दोस्तों उनका टाइटल थंबनेल बेहतर रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, शूट बेकार कर देते, जिसके कारण उनका यूट्यूब का वीडियो ग्रोथ नहीं होता, जिसके कारण वो डिसलाइक हो जाते हैं और उसके वीडियो कम कम धीरे धीरे अनलाइक हो जाते, जिसके कारण आपको यूट्यूब का जो भी वीडियो हो चल नहीं पाते। तो आज पूरा ध्यान रखें दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला, जिसके कारण आप अपने YouTube के वीडियो अच्छी तरह शूट कर सकते हैं। कैसे शूट करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे दोस्तों, बोलो तो पूरा देखे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा मजेदार बना के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट तीन बातें दोस्तों, सिर्फ तीन बातें आप याद रखें तो आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों कि आप अपने यूट्यूब के करियर में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी की फ्यूचर की बात की है दोस्तों, अभी की जनरेशन की बात की है तो यूट्यूबर बनना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, आपका थंबनेल अच्छे रहना चाहिए, और आपके प्रोफेशनल आप किस तरह से बोल रहे वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा हिम्मत से बोलना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ऐसे आप कंटेंट बनाएंगे तभी आप यूट्यूब में करियर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सोचूंगा कि यूट्यूब में करियर ना बनाए दोस्तों, क्योंकि आपका यूट्यूब आज चला कल नहीं चलेगा, कल चला परसों नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम, मतलब जो भी आपका टाइम बचता है उसमें यूज किया दोस्तों, इसको कोई इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं। तो चले दोस्तों कि पहली बात दोस्तों कि आप कभी भी वीडियो बनाए तो ये एक याद रखिए दोस्तों कि आपके बैकग्राउंड में जो भी साउंड है, नॉइस कैंसिलेशन, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कोई भी साउंड नहीं आता, जिसके कारण मैं वीडियो आराम से बना पाता। अब दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात कि आप कैमरा ऐसे स्टैंड पे रखे, मैंने तो एक सेल्फी स्टैंड पे रखा दोस्तों। कि आप नए यूट्यूबर है तो आपको कोई जरूरत नहीं दोस्तों कि आप अपने पैसा खर्च करें, अपनी मम्मी पापा का पैसा खर्च करें कि आप मुझे यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए एक ट्राइपॉड चाहिए, एक सेल्फी स्टैंड चाहिए। सेल्फी स्टैंड लीजिए दोस्तों, 100-200 का, 150 में आराम से सेल्फी स्टैंड आता है दोस्तों। सेल्फी स्टैंड लीजिए, उसको स्टैंड कीजिए सिंपल सा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको किया है कि सिंपल सा आपको ये ट्रिक बताई दोस्तों। आपको ऐसे स्टैंड बनाना है जिसके कारण आपका मोबाइल एक स्टैंड में रहे, जिसके आप परफेक्ट इमेज में है, नहीं तो आप क्या रस्सी से बांध के भी यूट्यूब में वीडियो बना सकते हैं। ये बात है दोस्तों। दूसरी बात कि आपको फोन एक पोजीशन में रखना है, जैसे हिलाना नहीं दोस्तों, जिसके कारण आपको पूरा वीडियो खराब हो जाएगा। अब तीसरी बात दोस्तों, मेन आती तीसरी बात कि आप किस पोजीशन में बैठे, आपकी इमेज आ रही है और साउंड आ रही है, क्लियर आ रही है, वो आनी चाहिए दोस्तों, और आपकी इमेज बराबर आनी चाहिए। क्योंकि मैं देख सकता दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर एक लाइट है और एक सामने मेरे एक लाइट है, जिसके कारण सामने एक लाइट है जिसके कारण मेरे पूरी इमेज साफ आ रही दोस्तों। आप भी ऐसे इमेज बनाएंगे, आप भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसके कारण आपकी वीडियो साफ आएगी। आपको टेंशन नहीं दोस्तों कि आपको बस यह करना है, अलग से लाइटिंग लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों। हाँ, जब आप यूट्यूब में अर्निंग करने लगे तब आप अलग से पैसा खर्च कर सकते। मेरे मुताबिक दोस्तों कि आपको अलग से कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। आप बोलेंगे दोस्तों कि माइक का प्रॉब्लम, तो मैं सोचूंगा दोस्तों माइक का कोई जरूरत नहीं आपको दोस्तों, कि आप ब्लूटूथ लीजिए दोस्तों, ब्लूटूथ रिसीवर और हेडफोन से कनेक्ट कर लीजिए, ब्लूटूथ मिल जाएगा आपको 100-200 में मिल जाएगा, वो आपको जरूरत पड़े तो। क्योंकि दोस्तों आपको क्यों जरूरत पड़ती है, आपके पास स्टैंड नहीं रहता, आप मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते तब उसकी जरूरत पड़ेगी तो लीजिए दोस्तों, नहीं तो नहीं। तो मैं दोस्तों सामने रखा, जिसके कारण मेरी आवाज फोन में रिकॉर्ड हो रही। हाँ, आपको बहुत ज्यादा क्लियर आवाज चाहिए, आपकी नॉइस, आपके बैकग्राउंड की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आपको इरिटेट कर रही है, तो आप ब्लूटूथ ले सकते हैं। बोया बोया बहुत बोलते हैं दोस्तों यूट्यूब में, तो मेरा सजेशन है दोस्तों कि आपको कब लेनी चाहिए बोया बोया, जब आपकी यूट्यूब में अर्निंग आए। यूट्यूब में ना अर्निंग आए तब तक आप पैसा ना खर्च करें दोस्तों, क्यों फालतू का पैसा कर। तो आप पैसा खर्च कर, चलो दोस्तों आपने पैसा खर्च कर लिया तो बाद में पता लगेगा कि आपके वीडियो में कोई लाइक्स नहीं आ रहे, सब्सक्राइब नहीं आएंगे, तो आप क्या करोगे, टाइम पे बंद कर दोगे यूट्यूब और बैठ जाओगे, तो आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा दोस्तों। नुकसान नहीं करना हमको, आपको क्या करना है, आप अर्निंग करना है यूट्यूब के अर्निंग से पैसा खर्च के, और कभी बाय चांस फ्यूचर में ना चले यूट्यूब का आपका चैनल तो आपको कोई दुख भी नहीं होगा, कोई
टेंशन भी नहीं है कि हमारा यूट्यूब चैनल चला नहीं, हमने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था वो किसी काम का नहीं, तो वो भी टेंशन नहीं रहेगा दोस्तों। आप क्या 100-200 रुपए का मतलब थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों। आप कहेंगे दोस्तों कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इतना मेन नहीं रहता दोस्तों, आपका टाइटल आपका कंटेंट अच्छा हो तो पब्लिक को बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। आप क्या कर मेरे बैकग्राउंड देखा दोस्तों, सिर्फ दीवार है। अब दीवार से क्या मतलब दोस्तों, दीवार है दीवार है, तो दीवार कोई बैकग्राउंड को कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों मैं घर पे बना रहा हूँ तो बैकग्राउंड को कोई मतलब नहीं, अब बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दीवार है। तो आपको आप बोलेंगे हमको चाहिए ग्रीन स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन क्यों, आपका कंटेंट अच्छा हो तो ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं दोस्तों। आप लोग क्या देखते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो वो देखते हो, कुछ नहीं देखते। तो आप देख सकते हो दोस्तों आपको भी ऐसी वीडियो बनाना पड़ेगा जिसके कारण ऐसे प्रोफेशनल वीडियो बनाने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप प्रोफेशनल मोबाइल से भी बना सकते, सिर्फ मोबाइल से। अब बात आती है स्क्रीन रिकॉर्डर, वो मोबाइल में हो जाते हैं, ऐप मिल जाते, वीडियो फिल्टर भी हो जाते दोस्तों। बहुत प्रकार के आप ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर में, आप इससे अपने वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। और एडिटिंग के लिए तो काइन मास्टर बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि काइन मास्टर हुआ वो बेस्ट हुआ दोस्तों। तो मेरा फोन हिल गया दोस्तों, तो फोन हिलने की जरूरत है, मैंने हाथ में पकड़ा अभी, ना तो मैं क्या करता हूँ हर बार इधर लटका के रखता हूँ, इधर इधर रखता हूँ फोन स्टैंड पे, सेल्फी स्टैंड, और अपने वीडियो स्टार्ट करता, अपने वीडियो बनाता और अपलोड करता। तो आप भी ऐसी वीडियो बनाए दोस्तों और अपने यूट्यूब की जर्नी को थोड़ा सा मजेदार बनाए और बिंदास बनाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको समझाऊंगा, 1 मिनट। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको समझाऊंगा कि आपको वीडियो कैसे बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है। प्रोफेशनल की जरूरत नहीं दोस्तों कि आपको सिर्फ एक सेल्फी स्टैंड चाहिए, कितने की मिल जाएगी, 100 रुपए की सेल्फी स्टैंड मिल जाएगी दोस्तों। 100 भी क्या, लोकल में गया तो 260-270 में मिल जाती है मार्केट में, तो 100 रुपए की सेल्फी स्टैंड। आपको माइक की ज्यादा ही जरूरत है तो माइक इतना महंगा ना खरीदे दोस्तों, लीजिए 500-600 में माइक मिल जाएगा, बोया वोया का इतना महंगा खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों। 1000-1500 में बोया माइक कोई जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों आपको इतना, क्योंकि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो की जर्नी अभी शुरू करे, आपने शुरू कर दी, आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए तब लिया, तो मैं कहूंगा उनके लिए पवरता दोस्तों, आपके लिए नहीं पवरता। तो ये हो गया, और एक बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, ग्रीन स्क्रीन की बिल्कुल जरूरत नहीं दोस्तों। आप ऐसे बैकग्राउंड लीजिए बेहतर है दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों कंटेंट मेन रहता है दोस्तों, कंटेंट और थंबनेल और आपका टॉपिक मेन रहता है, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों सामने वाली पब्लिक को। आपका कंटेंट अच्छा हो वो बेस्ट रहेगा दोस्तों आपके लिए। और लाइटिंग, हाँ बस थोड़ी सी लाइटिंग मेन है दोस्तों, तो आप लाइटिंग का एक ध्यान रखे, आपको ऐसे रखना है दोस्तों जिससे आपकी परछाई भी ना दिखे। देख सकते दोस्तों कि मेरे को परछाई नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ मैं हूँ और सिंपल फोकस मेरे फेस पे है दोस्तों। तो ऐसे आप वीडियो बनाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको समझाऊंगा कि आप कैसे प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब पे। ये वीडियो मुझे आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।